सीन क्या हुआ था कि ना गाड़ी का पेट्रोल सारी खत्म हो गया, जो यार गाड़ी लेके जाऊँ है ना, तो इनको मैंने स्कूटी What's up guys, welcome back to the channel and another video. तो आज का वीडियो जो शुरुआत हो रहा है 12:42 से. ये जो गाड़ी मैंने लिया था कल किसी से, मैंने चला के किसी सिस्टर से मैंने चलाने के लिए लिया था एक दिन के लिए, तो आज हो गया एक दिन प्रॉपर. सो आज मैं निकलता हूँ यहाँ से कलोनी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मैंने निकलने हैं अगलिंग के लिए. मैंने ना कुछ जैकेट वहाँ पर रखा था किसी के घर पर, तो मैं लेने जाना है क्योंकि है ना थोड़ा सा शाम और सुबह ठंड पड़ रहा है ना इसलिए. सो ये जो देख पा रहा होगा बैग, आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली ये जो बैग खोया था ना वही बैग है. सो अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ. मैं कॉल स्टार्ट पहले करवा दिया, बट अभी मैं थोड़ा स्टार्ट करवाता हूँ. हाँ स्टार्ट हो गया. सो निकलता हूँ यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल कलोनी के लिए. कलोनी से मैं किसी को पिकअप करना है जो कि आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली. हाँ एंड देन मैंने आज स्कूटी लेने जाना है, कहीं और पे रखा है. मैंने आज सोचा था फ्लाइट का टिकट करवा लूँ बिकॉज अभी ना थोड़ा सा सस्ता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ना बाद में फिर करवा के पहले की तरह खज्जल हूँ. पहले भी तो बहुत सारा खज्जल हुआ ना लद्दाख के लोगों को ये साथ, यार बहुत टिकट महंगा था यार. क्या बताओ, एक टिकट का 80,000 भाई यार. इतना तो मैंने बताया था आप लोगों को, पहले मैंने बता चुका था एक टिकट का 80,000. इतना में तो मैं पूरा गोवा बुकिंग करवा देता यार. मिडिल क्लास का लोन डाउन है इसलिए आप समझ पा रहा होगा. सो अभी निकलता हूँ यहाँ से, सबसे पहले कलोनी जाता हूँ. सो गाइस फाइनली मैंने गाड़ी यहाँ पे रखवा दिया, दीदी ने बताया कि यहाँ पे रखवाने के लिए, ठीक है. बट एक प्रॉब्लम हो चुका है. हमने सोचा था यहाँ से डायरेक्ट कलोनी जाने के लिए, बट एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि ना गाड़ी का पेट्रोल सारी खत्म हो गया. गाड़ी को यहाँ पे रखवा दिया मैंने ना, जैसे था वैसे कंडीशन पे रखवाया. तो गाइस अभी यहाँ से निकलता हूँ गाड़ी पकड़ के. अभी यहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ेगा हमें ना. अभी मैंने जाना है यहाँ से ना स्कूटी लेने के लिए. मैंने सोचा था यार गाड़ी लेके जाऊँ है ना, तो इनको मैंने स्कूटी स्कूटी लेके आऊँ, मैंने उनको बताना था, ठीक है. फिलहाल गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ खाना खाने के लिए होटल पे, जो कि आप लोग देख पा रहे हो भाई, यह फ्राइड राइस है. एंड यहाँ पे लैपटॉप पे फुल पावर एडिटिंग चल रहा है. सो अभी ना मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मैं ना यहाँ पे सडनली आके मैंने उनको बताया था कि ना पेट्रोल जो है खत्म हो गया था, वो भी ना उसी वक्त उसी घर के सामने, ठीक है. सो पता नहीं आवाज़ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा. ओके सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर, खाना खा के आ चुका हूँ बाहर, मीन्स के दुकान से बाहर, होटल से बाहर, रेस्टोरेंट से बाहर. अभी पता नहीं यार शक्ल इतना काला काई को देख रहा है यार, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो अभी हम जा रहे हैं पैदल यहाँ से स्कूटी लेने के लिए, बिकॉज हमारे पास कुछ है नहीं अभी तो, कुछ भी हमारे पास व्हीकल्स नहीं है. व्हीकल्स बोलते हैं ना, व्हीकल्स नहीं है, ठीक है. सो गाड़ी जो हमने जो गाड़ी लेके आया था जिप्सी वहीं पे रखा था, दीदी ने बताया था वहीं पे रखने के लिए, ठीक है. एग्जिट वहीं पे पेट्रोल खत्म हुआ यार. मैं ना पता नहीं यार क्या, मैंने सोचा था कलोनी आके फिर स्कूटी लेके जाओ, ठीक है. जो कि मेरे साथ आया गया था ना बंदा, तो उन्होंने को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आ जा आप मेरे साथ एंड स्कूटी लेके चल, मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, ठीक है. बट पता नहीं यार एग्जैक्टली वहीं पर ना पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मैंने लिफ्ट मांग के बस के अंदर आया. यूजली लद्दाख में ना वही चलता है, यहाँ पे टैक्सी वगैरह चलते ना, यहाँ पे बस ही चलता है मजदा. एंड मैं मजदा में आया यहाँ तक कलोनी तक, एंड कलोनी तक मैं और ये खाना खाया था. अभी कुछ ब्रेकफास्ट तो नहीं है, क्या है, लंच, लंच है ना. लंच किया मैंने फ्राइड राइस किया, जो कि पूरा जल चुका था. एंड इसने कहा फ्राइड राइस, हाँ इतना भी बुरा नहीं था, नॉट बैड. बट भूख लगा हुआ ना, भूख भी तो नहीं था यार मेरा यार. फिर भी मैं पता नहीं आजकल इतना खाना जा रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ. मैं खुद बहुत थोड़ा सा शर्म आ रहा है यार, लोगों के सामने इतना ज़्यादा खाना खाते ना. बट पता नहीं यार यहाँ पर ना पूरा चेहरा काला काला देख रहा है. इट्स ओके गाइस, तो यहाँ से निकलता हूँ मैं स्कूटी लेने जा रहा हूँ. एंड देन मैंने जाना है टिकट करवाने के लिए. आज टिकट करवाता हूँ बिकॉज सर फिर बाद में ना टिकट ज़्यादा होगा, तो फिर प्राइस के टिकट करवाना मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आज ही टिकट करवा के लेट से आज क्या क्या होता है देखता है. अभी ना यहाँ हम अभी ना हम यहाँ पे, ये कौन से है, ये क्या स्टेडियम है, इंडस है. इंडस, इंडस क्या होता है, इंडस है मतलब जो कि ये पूरा नया बनवाया है, मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ इस एनडीएस मीन्स के जो कि गेम वगैरह खेलते हैं ना, यहाँ पे मैंने देखा है कि वो खेलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं और क्या खेलते हैं, हाँ बहुत सारे यहाँ पे गेम्स खेलते हैं. हाँ फुटबॉल भी खेलता होगा, वॉलीबॉल भी खेलता होगा सारे ने. ये है एनडीएस जो कि नया बनवाया है. एंड यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ये जो है ना एक मैदान है, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं. एंड पीछे बहुत सारे बंदे हैं. एंड यहाँ से निकलता हूँ सीधा स्कूटी लेने के लिए. सो गाइस अभी मैंने जो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप्स दिखाया था ना, ये कुछ पूजा चल रहा है आजकल है ना, मतलब
ये जो महंत है ना, बुद्धिस्ट के लिए एक अच्छे महंत है। पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, नहीं हिंदी से मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बट ये एक अच्छे महंत है, तो यहाँ पे सारे लोग पूजा करें ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप्स लगाए, बट है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को, बट फिर भी मैंने दिखाया। मैं ना चाहता हूँ कि है ना जो जो चीज़ चल रही है लद्दाख में सारे मैं कैप्चर कर पाऊँ, बट मैंने दिखाया था ना जो मैंने पीछे दिखाया था ना उसी की तरह। किस हो गए, तो मैं लेने के लिए आ चुका हूँ स्कूटी को। स्कूटी मैंने वहीं से लेके आया हूँ कहीं और जगह से, और मैंने जैकेट भी वहीं से पहना हूँ। अभी ना ठंड हो रहा है, पता नहीं यार, कल तो थी नहीं इतना ठंड, अभी पता नहीं इतना अचानक से ठंड आया, एंड ठंड तो आना चाहिए ऑब्वियसली ना, बिकॉज देख वहाँ जो है ना पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, उसी की वजह से ठंड आते हैं, अदरवाइज नहीं आता होगा शायद। मेरे ख्याल से मैंने सुना है ऐसा ना बहुत ठंड है आज, पता नहीं यार आज मौसम भी बहुत ख़राब है। अगर मौसम अच्छा आता ना तो यार मैं इतना अच्छा ब्लॉग्स बनाता कि कहीं और दूर जाके, ठीक है। तो आज पता नहीं यार आज का ब्लॉग कैसा होगा, आई डोंट नो, बट कमेंट करके बताना अगर अच्छा हो तो, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ घर की तरफ, बिकॉज सर मैं बहुत टाइम हो चुका हूँ अभी ना, मैंने अभी और यार ये बहुत भरी यार स्कूटी भी ना यार, मैं इतना स्कूटी भी उठा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं यार इतना मतलब शरीर से तो इतना ज़्यादा मतलब कमज़ोर भी नहीं लगता है, बट पता नहीं आई डोंट नो यार। अभी मैंने स्कूटी को थोड़ा सा कॉल स्टार्ट के लिए रखा हूँ, कल से चलाया नहीं ना इसीलिए, थोड़ा बहुत पहले चलाया था, बट फिर भी है ना लद्दाख में इतना ठंड है ना उसके कारण स्कूटी को थोड़ा सा कॉल स्टार्ट रखना ही पड़ता है। और मैंने यहाँ पे कपड़ा है ना धोने के लिए दिया था किसी को, तो उसने धो के दिया है मुझे ना, तो मैं इतना लेजी हूँ कि ना अपना खुद का कपड़ा भी मैं धो नहीं पाता हूँ, इतना लेजी हूँ मैं क्या बताऊँ। सो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए, एंड घर जाके थोड़ा सा चाय वगैरह पीता हूँ, एंड देन लेट्स सी देखता हूँ क्या होगा ना। ओके सो गाइस, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे, मतलब घर पे पहुंच चुका हूँ, एंड अभी मैंने स्कूटी पता है कैसे चलाया है ना, गोप्रो जो मुंह पे ऐसे लगा के, बिकॉज सर मैंने सेटअप नहीं ना लिया है ना, मैंने हेलमेट बिना हेलमेट पहन के स्कूटी चलाया, सॉरी अगर कोई पुलिस वगैरह देख रहा हो तो, बिकॉज मेरे पास हेलमेट ही नहीं है। मैंने सोचा हेलमेट डेली जाके मैंने खरीद लूँ, अभी तो रास्ता नहीं ना खुला है, मैंने सोचा स्कूटी अभी ये मैंने फिलहाल ऐसे ही चलाया है, जो मैंने मेन स्कूटी मैंने जम्मू में ही रखा है मॉडिफाई वगैरह करवाने के लिए, एंड देन मैंने ना यहीं पर मतलब मोटो व्लॉगर स्पेशल में खुद ने मोटो व्लॉगिंग ही करना है, संडे राइड भी करना है, एंड बहुत सारी चीज़ें करवाने हैं मैंने सोच के रखा है। अभी फिलहाल मैं ना वीडियो कॉल पर हूँ भाई के साथ, मैं वीडियो कॉल पर बात कर रहा हूँ, एंड भाई पता नहीं इतना बिजी होना यार भाई मलिक साहब, लोग इतना बिजी होते कि मैं क्या बताओ तो भाई यार इतना बिजी है कि मैं क्या बताऊँ। एंड आज का व्लॉग ऐसा छोटा मोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था, बिकॉज आज मैं ऐसे छोटा मोटा सा व्लॉग्स मैंने बनाया दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ डेली व्लॉग्स बनाऊँ एंड आप लोगों के साथ जुड़े रहूँ एंड अच्छा अच्छा कंटेंट लूँ, ठीक है। आज का व्लॉग जो यहीं पे एंड करवाता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ एक अगले व्लॉग में, सो तब तक के लिए बाय बाय।